हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग चाहते तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे है, तो जाइए वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। तो गाइज, आप सबको हैप्पी दिवाली और हैप्पी काली पूजा। और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर, और मेरे को ठंड लग रही थी इसलिए मैंने ये पहन ली, बट अभी गर्मी लग रही है बिकॉज ये सूरज देवता अभी बहुत ऊपर आ गए हैं और अभी भी मैं यहीं पे हूँ। तो मैं अभी घर जाने वाली हूँ, बहुत सारे काम हैं और दिवाली के मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है। वैसे पिछले साल मैंने लड्डू मिठाई सब कुछ घर में बनाए थे और इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो आलसी तो मैं हुई, दिन भर दिन और होती जा रही हूँ। तो आज को मैं पता नहीं क्या क्या करने वाली हूँ, बट मैंने बनाया है एक क्या कि मैं ये करूँगी, बट अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। और अभी 7:30 बज ही गए, मैं 6 बजे को ही उठ गई थी, पता नहीं इतनी टाइम में कर क्या रही थी। तो अभी मैं घर जाऊंगी और आज मुझे मंदिर भी जाना है, तो बहुत सारे काम भी है। और क्या बोली जा रही हूँ, चलो रहने दो। तो आप लोग व्लॉग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी घर जाते हैं और काम करते हैं, मतलब मैं करूँगी, आप लोग देखते रहिए। गाइस, अभी मैं हूँ घर पे और अभी मैं काम शुरू करने वाली हूँ। अभी सबसे पहले घर को झाड़ू लगाऊंगी, बट मेरे को बहुत रोशनी की कमी हो रही है, तो सबसे पहले मैं खिड़कियाँ खोल के इसके पर्दे मतलब क्या उठा देती हूँ, क्योंकि मेरे को रोशनी चाहिए बाहर के। और यार ये मेरे फट गए, मैं कितनी गरीब हूँ यार, व्हाटएवर। तो सबसे पहले खिड़कियाँ खोल देते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। और अभी फ़ोन को रखने वाली हूँ साइड में, बिकॉज अगर इसी के साथ मैं ऐसे करते रही ना तो मम्मी मेरे को उसी झाड़ू से मारेंगे आके। तो मिलते हैं सारे काम ख़त्म करने के बाद। अभी अगर सारे काम कर करके वीडियो करने को लग गई ना तो करते करते मेरी सुबह हो जाएगी और आज की दिवाली मेरे को कल मनानी पड़ेगी। तो अभी फ़ोन को साइड में रखते हैं और खेत हो, मिलते हैं काम के बाद। तो जल्दी जल्दी घर के सारे काम करके मैं निकल आई पापा के साथ मंदिर के लिए। और मौसम भी पता नहीं क्या धीरे धीरे बदल रहे थे, थोड़े थोड़े बारिश भी हो रहे थे और हवा भी चल रही थी तेज़ी से और ठंड भी लग रही थी, पर इधर का मौसम इतना भी बुरा नहीं था। और फिर मैंने थोड़े से फल ले लिए प्रसाद के लिए और निकल गई नानी के घर। फिर मैं अपनी बहन और नानी के साथ मंदिर आई थी, पापा भी आए थे साथ में, बट वो कैमरे के सामने कभी नहीं आते, पता नहीं क्यों नहीं आते। और गाइस, इसी मंदिर पर मैंने अपने ज़िंदगी का पहला वाला व्लॉग शुरू किया था, तो वो वीडियो शायद 11 महीने हो गए हैं, 1 साल होने ही वाला है, मेरे चैनल में है अभी भी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लिंक मैं नीचे दे दूंगी। और यहाँ पे मेरी बहन हंसती हुई बार बार कैमरे में देखते हुए। फिर हम एक लोगों के घर गए थे, उन लोगों के घर में काली पूजा होती है, वहाँ से आके मैंने प्रसाद वरसाद खा के मैं चली मेरी मम्मी की बड़ी बहन के घर जो पास में ही थे नानी घर के। तो वहाँ पर ये पता नहीं किचन में क्या बना रहे, पर सोमवार है इसलिए मैं तेल वगैरह दिन में नहीं खाती हूँ। और मेरे लिए मतलब यहाँ पे भून रहे हैं ये बादाम, वो मैंने खाए। और उसके बाद एक रोटी, सूखी वाली रोटी, और उसके साथ दूध पिया, मेरे को सब्जी वब्जी नहीं खाने थे इसलिए। और फिर सबको बाय शाय बोल के मैं और पापा हल्की हल्की बारिश में भीग भीग के घर की ओर निकल आए। और पापा घर आ गए और हम थोड़े से भीग गए, ज़्यादा नहीं भीगे, थोड़े बहुत भीग गए हैं। और मुझे मौसम का समझ नहीं आ रहा है, मतलब हर त्यौहार में ऐसे बारिश आना ज़रूरी है, दुर्गा पूजा में भी बारिश, लक्ष्मी पूजा में भी, और अभी दिवाली पे भी, क्या मतलब ये बारिश का मौसम तो है नहीं। अभी पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, वैसे ऐसे बारिश के मौसम में ना कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, बट दिवाली है, मनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। और फिर मुझे पता चला ये मौसम भी किसी से कम नहीं है और ये बारिश भी नहीं रुकने वाली और ये हवा भी ऐसे चलते रहेंगे। हमें पता चल गया है ये मौसम अभी ठीक नहीं होने वाला, हमें ऐसी दिवाली मनाने पड़ेंगे। और मैंने अपना साड़ी पहनने का जो क्या था सपना वो कैंसिल कर दिया है, और ना ही मैं इयरिंग्स पहन के मेकअप करके फोटो खींच पाऊंगी हाथ में दिए लेके। हाँ मैं कर सकती हूँ ऐसा, बट मुझे ठंड लगेगी इसलिए मैं ये स्वेटर अभी नहीं खोलने वाली। और मैं अभी लाइट्स लगाने वाली हूँ, पता नहीं मैंने ये सब काम पहले क्यों नहीं की थी, चलो नहीं किया तो अभी तो करना पड़ेगा ना। तो अभी मैं लाइट्स लगाऊंगी, उसके बाद मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली, मैं प्लानिंग्स नहीं बनाऊंगी क्योंकि जो जो मैंने कल रात को सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी फिलहाल तो मैं लाइट सी लगाती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता, मतलब क्या क्या हो पाता है मेरे से। अभी मेरे हाथ में है ये लाल, नीले, पीले, हरे कलर के लाइट्स,
और मुझे नहीं पता ये सब कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहे, क्योंकि इसको लगाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, उस तरफ से और उधर से भीगना भी पड़ेगा, और मेरे को भीगने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। क्या करें अब। और पापा ने वैसे लगा ही लिए है ये ब्लू और ग्रीन वाला थोड़ा बहुत, और भैया ने मंदिर पे ब्लू वाला लगा ही लिया। यार सारे के सारे लगा देते हैं, मैंने ही कहा था मत लगाओ, मैं खुद लगाऊंगी, अभी बोल के पछता रही हूँ, क्यों बोला था मैंने। तो गाइज हमने लाइट्स लगा ली है और बाहर अंधेरा भी हो गया है, तो अभी हम दिए जलाने वाले हैं और कैंडल्स भी लगाएंगे, तो चलिए जल्दी जल्दी दिए जलाते हैं बस। तो जितनी खुशी के साथ मैं दिए जलाने को गई, उतनी खुशी के साथ मैंने दिए जलाए भी, बट जब बारी आई कैंडल्स की, मैं बार बार जलाती हूँ, तेज़ी से हवा आते हैं, फिर उसको बुझा जाते हैं, फिर से मैं जलाती हूँ, फिर से बुझ जाते हैं, तो ऐसे करके मैं बार बार जलाती रही, बुझते रहे, फिर मैं झुकी नहीं, और फिर मैंने एक फुलझड़ी के साथ अपनी दिवाली को ख़त्म किया। तो गाइस मैं छाता लेके बाहर जाना चाहती थी और आप लोगों को भी दिखाना चाहती थी और मैं भी देखना चाहती थी, और इस टाइम पे हर साल भैया और मैं देख के घूमते कि किस किस ने कैसे कैसे लाइट्स लगाए और कितने, मतलब किस किस के घर में दिए कैसे करके जलाए हैं। तो मैंने बाहर जाके देखा कि हमारे दिए बुझ गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बारिश में किसी के भी दिए मतलब जल रहे होंगे, मतलब बाहर अंदर तो जल रहे हैं, मतलब हमारे जो यहाँ पर लगाए हैं घर में वो सब जल रहे हैं, पर जो हमने बाहर लगाए थे वो सब बुझ गए। तो गाइस अभी मैं बैठी हूँ घर में, और मैं बाहर जाना चाहती थी बट अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बारिश भी हो रही है और हवा तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो अभी मैं खा रही हूँ ये बस थोड़ा सा खीर, वैसे मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाने वाली, बस यही खाऊंगी और कुछ भी नहीं खाऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरे मिनी व्लॉग्स देखे होंगे इन दिनों के, तो आपको पता चलेंगे मैं थोड़ा डाइट शाइट मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा दिन तक नहीं, बस कितने दिन, हाँ 7 दिन तक ही कोशिश करूँगी कि थोड़ा हेल्दी खाऊँ। तो बस ये मैं खीर ही खाऊँगी और कुछ भी मीठा नहीं खाने वाली, और मैं वीडियो को भी ख़त्म करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। मैंने दिन में दिवाली के दिन जो जो किया सब कुछ मतलब शूट करने की कोशिश की, वैसे इतनी खास तो गई नहीं। आप लोगों की दिवाली कैसी गई कमेंट में बताना, मैं चाहती थी दिखाना कि मतलब हम कैसे दिवाली मनाते हैं, तो आप लोगों को दिखाते, बट ऐसा हो नहीं पाया। अगले साल देखते हैं, अगर भगवान की कृपा से अच्छे से रहे तो, अच्छे से अगर हुआ तो ज़रूर मैं अगली आने वाले सालों में मतलब मैं दिवाली की व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आप लोगों की दिवाली कैसी गई, और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।